अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी अच्छी क्लास, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप एक बात आपने नोटिस की है कि पहले मुझे थोड़ी सी फिक्र थी, मैं थोड़ी सी परेशान थी कि लॉकडाउन के दौरान मैं आपको सिलेबस कैसे कवर करवाऊंगी। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि जब मैंने देखा कि अभी दिसंबर टेस्ट से पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म होने के करीब है, तो मैंने फौरन अपनी स्पीड कम कर दी है। पहले मैं एक दिन में आपको दो अहादीस मुबारक पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आपके सेशनल एग्जाम्स के पेपर चेक किए हैं और आपका रिजल्ट सबमिट करवाया है, तो उसके बाद मैं समझती हूँ कि हम बड़ी आसानी से अपना सिलेबस कवर करने के करीब पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब मैं रोजाना आपको एक एक हदीस समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप को हदीस ना सिर्फ अच्छी तरह समझ आए बल्कि आप इसकी तशरीह भी आसानी से याद कर सकें। और इस दौरान बेटा, आपको जहां कोई मसला हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको पढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार हूं। हदीस नंबर 38, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का टॉपिक है सबूत दावा, इस्लाम में कानून शहादत। हदीस नंबर 33, हम पढ़ेंगे कि इस्लाम में कानून शहादत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौला फरमाया, लो अगर, क्या अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं, लो यूतियन नासु अता कर दिया जाए, अगर दे दिया जाए लोगों को, बेदावाहुम उनके दावों के मुताबिक, लदा तो वो दावा करेंगे, रिजालुन अमवालुन लोगों के मालों का, लोगों के सारी दौलत लेने के दावा करेंगे, कौमिन व दिमा आहुम और खून का दावा करेंगे, वलाकिन्ना लेकिन अलबैयना गवाही पर, अला मुद्दई दावा करने वाले, वल यमीन और कसम, अला मन अनकरा जिसने इनकार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को इनके दावों के मुताबिक दिया जाए तो लोग दूसरों के माल और खून के दावा करेंगे, लेकिन दावा करने वाले के जिम्मे सबूत है और जिसने इनकार किया इस पर कसम है कि वो कसम खा के इनकार करे। अब इसके मुश्किल अल्फाज मानी पे जाइए, लो यूतिया अगर अता कर दिया जाए, दावा हो इनके दावों के मुताबिक, इनके मतालबात के मुताबिक, तो वो जरूर दावा करते। यहाँ ला ताकीद के लिए है, लाम अलबैयना लेकिन जो दावा करे उसके लिए जरूरी है कि सबूत लाए, दलील लाए, और मुद्दई जो है दावा करने वाला वो कसम खाए, हलफ उठाए, अनकरा जिसने इनकार किया। इस्लाम का निजाम अदल, पिछली हदीस आपको याद है मुआशरती जिंदगी के बारे में थी। इस्लाम का निजाम अदल इस लिहाज से मुकम्मल है, जामे है, कि इसके कवायद और जवाबित कुरान और सुन्नत में पूरी वजाहत के साथ बयान कर दिए गए हैं। ये हदीस बाहिमी तनाजात को चुकाने के लिए एक बुनियाद फराहम करती है। क्या बुनियाद फराहम करती है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को इनके दावों के मुताबिक दिया जाए तो बाज लोग दूसरों के माल और खून पर दावा करेंगे, लेकिन दावा करने वाले के जिम्मे सबूत है और जिसने इनकार किया इस पर कसम है। इंसानी कमजोरी क्या है? इस हदीस में अव्वलन इंसानी मजाज की एक कमजोरी की तरफ इशारा किया गया है,
यानी अगर लोगों के तमाम दावे बिला चूं चरा तस्लीम कर लिया जाएं, तो ये लोग एक दूसरे के माल और खून का दावा कर देंगे। इसलिए इन्हें बेकार मुकदमाबाजी से रोकने के लिए हुकूमत इस्लामिया के जिम्मे ये फरीजा आयद किया गया है कि किसी का दावा कबूल उसी सूरत में किया जाएगा जबकि इसके पास सबूत के लिए शहादत और गवाही मौजूद हो। इस्लाम का निजाम अदल ये है कि किसी मुकदमे के दो फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दया अलह। हदीस ये बयान कर रहा है कि मुद्दई पर अपने दावे के सबूत के लिए गवाही पेश करना लाजिम है। कुरान पाक में गवाहों को ये हुक्म दिया गया है कि वह गवाही ना छुपाएं। जाती मफाद, किसी बा असर आदमी का डर या किसी किस्म का लालच सच्ची गवाही में हाइल नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये हुक्म भी है कि जब गवाहों को बुलाया जाए तो वह गवाही देने से इनकार ना करें। कुरान मजीद की सूरह आल इमरान आयत नंबर 152 में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब बात करो तो इंसाफ करो अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस्लाम के अदालती निजाम में शहादत को बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में किसी अदालती निजाम का तस्वुर नहीं था। लोग एक दूसरे का माल हथिया लेने में कोई खौफ महसूस नहीं करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनज्जिम अदालती निजाम पेश किया। ये हदीस इसी आदिलाना निजाम की एक कड़ी है। अस्बात दावा का तरीका क्या है? इस हदीस में इस्लामी अदल के मुतालिक बुनियादी बात बयान की गई है जो हुसूल इंसाफ में बड़ी मददगार शय साबित होती है। इस पर अमल करना बहुत आसान है, इसलिए इस्लाम जल्द और आसान इंसाफ की फराहमी भी लाजमी करार देता है कि कोई जालिम अपनी सजा और अपनी मजलूम अपने तहफ्फुज़ से महरूम ना रहे। जब कोई झगड़ा होता है, कोई तनाजा होता है, तो इसमें दो लोग फरीक होते हैं। एक आकर अपना दावा दायर करता है कि फलां आदमी या ग्रोह ने मेरी फलां हक तलफी की है। इस ग्रोह को मुद्दई दावा करने वाला कहा जाता है, जबकि दूसरा ग्रोह या फर्द वो होता है जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है। चनाचे इनके दरमियान हक को इंसाफ के साथ फैसला करने के लिए जरूरी है कि दोनों की बात निहायत गैर जानिबदारी और तवज्जो से सुनी जाए। समात मुकदमा के असूल, काजी का फर्ज ये है कि वो मुकदमा की समात के बाद फरीकैन के दरमियान फैसला करने से पहले मुद्दई से गवाह तलब करे कि तुम जो दावा कर रहे हो इस मामले में तुम्हारे पास गवाह है तो पेश करो। अगर वो गवाह पेश कर देता है फिर दीगर तकाजे पूरे करके इंसाफ से फैसला करे। अगर मुद्दई का इल्जाम दूसरा फरीक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरे फरीक को चाहिए कि वो कसम उठाकर अपने ऊपर आयद होने वाले इल्जाम का इनकार करे। इस असूल के तहत फैसला हक को इंसाफ के मुताबिक होने के ज्यादा रोशन इम्कान हैं। अदलो इंसाफ की फ्राहमी में सबसे ज्यादा बोहतान साजी, झूठी गवाही और झूठी कसम ही माने होती हैं। चनाचे इस्लाम ने अखलाकन और कानूनन इन तीनों जराइम की रोकथाम की है जिसकी तफसील दर्ज ज़ैल है। मुजम्मत बोहतान, कुरान पाक में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लोग पाक दामन मोमिन बेखबर औरतों पर तोहमत लगाते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। नंबर दो, जिसने कोई गुनाह या खता करके इसका इल्जाम दूसरे पर थोप दिया इसने बहुत बड़े बोहतान और वाज़े गुनाह का बार समेट लिया, बोझ उठा लिया उसका। तीसरी जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहे कबीरा में से एक गुनाह किसी पाक दामन औरत पर नाजायज तोहमत लगाना भी है। झूठी गवाही और झूठी कसम की मुजम्मत। नंबर वन, झूठी गवाही मत दो। ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन के खड़े हो जाओ। अल कुरान, रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते। अल कुरान, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सात हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, इनमें से एक झूठी गवाही देना भी है। नंबर 5, कुरान मजीद में फरमाया, अपनी कसमों को नेकी से बचने का जरिया ना बताओ। यानी इस्लाम में कानूने शहादत क्या है, दावे के बारे में असल चीज क्या है, यानी जो दावा कर रहा है वो सबूत देगा और जो इनकार कर रहा है उसे कसम उठानी होगी। तो बेटा आपने लफ्जी तर्जमा भी पढ़ना है, बा मुहावरा तर्जमा भी पढ़ना है, फिर तशरीह याद करने की कोशिश करनी है। और रोज का काम अगर आप यूं है कि हदीस को याद करने की और पढ़ने का इतना सवाब है कि जो शख्स हदीस को जबानी हिफ्ज करता चला जाता है वो जन्नत में अपना घर बनाता चला जाता है। अल्लाह ताला आपको हदीस पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज बेटा।